नीमच सिटी वर्ग विशेष के खिलाफ राजपूत समाज की महिलाओं ने ज्ञापन प्रधानमंत्री उषा ठाकुर को सौंपकर कार्रवाई की मांग की और बस सलूकी का आरोप लगाया। क्षत्रिय राजपूत समाज की महिलाओं ने शुक्रवार को विधायक निवास पर राजपूत समाज की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि 16 मई को नीमच सिटी में कुछ वर्ग विशेष के दंगाइयों द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं के साथ रात में घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई। उत्तरियों द्वारा नंगी तलवारें और हथियार जैसे साइकिल का हैंडल और बेसबॉल के डंडे के साथ घरों पर हमला किया गया और घर की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती कर हार खींचकर घर से बाहर ले जाने का प्रयास किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा अपना बचाव करने के दौरान उनके हाथों में व शरीर पर चोटें भी आई। वर्ग विशेष के लोगों द्वारा घरों पर पत्थर और बोतलों द्वारा हमला कर महिलाओं व बच्चों को अपना निशाना बनाया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त दंगाइयों पर शासन प्रशासन द्वारा उनकी चल अचल संपत्ति को जमींदोज किया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी महिलाओं के आन बान शान के साथ ऐसी अभद्रता ना हो।